नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल AV008 पे। भाइयों, ये रहने वाली है अपने सामने बोलेरो टॉप वेरिएंट B6 ऑप्शनल। अब ये जो है ना, महिंद्रा ने इसलिए रख रखी है क्योंकि इसके जो असली लवर हैं वो अभी भी हैं, क्योंकि गांव में, देहात में कह सकते हो आप, बहुत ज़्यादा पसंद करे जाने वाला ये व्हीकल हो जाता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे प्यारा तो इसका आप ये देख लो, विनाइल वाला डिज़ाइन। और ये गाड़ी ना देखने में आपको लगेगी काफ़ी बड़ी गाड़ी है, लेकिन 4 मीटर के अंदर ये गाड़ी रहने वाली है। मतलब कोई कह देगा कि ये 4 मीटर के अंदर है, देखने में तो ये कहीं से भी नहीं लगती। अब आते हैं इस साइड पे, क्योंकि शुरुआत करने में फ्रंट से ही मज़ा आता है। ये रहेगा इसका फ्रंट का पूरा सीन, जिसमें कि आपको थोड़े क्रोम के इंसर्ट्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको लोगो मिल जाता है, हेलोजन का सेटअप मिलता है आपको, और कॉर्नरिंग लैम्प भी दे रखा है यहाँ पे, इंडिकेटर की प्लेसमेंट हो जाती है, हाई लो बीम के लिए ये आपका रिफ्लेक्टर बेस्ड हो जाता है, फॉग लैंप्स इसमें नहीं दे रखे। और इस हुड के अंदर 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है डीजल का। अब देखो साइड प्रोफाइल पे आते हैं, तो ये रहेगी इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल। देखने में देखो आप लोग बताओ कि कैसी लग रही है और इसमें हमें क्या कुछ मिलता है, अब उस बारे में बात करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से क्लैडिंग दे रखी है, पार्ट्स में डिवाइडेड है भाई। इधर की तरफ आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है, और ये देखो थोड़े से व्हील आर्चेस जो आपके ये बाहर कर रखे हैं, ये आपका प्लास्टिक का पार्ट रहने वाला है और ये आपका लोहा है। नीचे जो व्हील्स हैं, 15 इंच के व्हील मिलते हैं इसके अंदर, स्टील रिम है, और यहाँ पर आपको व्हील कैप्स मिल जाते हैं। प्रोफाइल हो जाती है 215/75R15, दैट मीन्स 215/75R15। फुटरेस्ट मिल जाते हैं इसके अंदर आपको, और जो इसके हिंजेस हैं ना, ये देखो बाहर की तरफ हैं। अब बात करेंगे ORVM की, तो ये आपके मैनुअल रहने वाले हैं, कम्प्लीटली मैनुअल है, इसे भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते। बाकी ये आपको सिंपल डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। ट्रिम की बात करेंगे तो सिंपल आपको ट्रिम मिलेगी, बेसिक ट्रिम बिल्कुल। यहाँ पे ये आपको हैंडल टाइप्स दे रखा है, ये भी हैंडल टाइप्स हो गया, ब्लैक आपको खोलने बंद करने के लिए आपका हैंडल हो गया, और यहाँ पे कुछ आप पॉकेट में सामान वामान रख सकते हैं, कागज़ वगैरह कुछ इस तरीके की चीज़ें। ग्लव बॉक्स, ये आपका छोटा सा ग्लव बॉक्स हो जाता है, ठीक है। और पूरा जो अंदर का है ना, ब्राउन थीम है इसकी। जब रियर की तरफ आओगे आप, तो ये हो जाती है इसकी रियर की ट्रिम, जिसमें आपको विंडो का स्विच, यहाँ पर आपको डोर हैंडल, और ये देखो आप दिख गया, ये है आपका देखो मैकेनिज्म, जो गेट खुलने पे अटक रहा है ना, वो इसकी वजह से अटक रहा है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स दे रखे हैं इसके अंदर आपको, है ना। और जो सीट्स हैं वो काफ़ी चौड़ी हो जाती हैं, इसलिए ये पसंद की जाती है। सेंटर में आर्म रेस्ट, एडजस्टेबल हेड रेस्ट, बाकी तो बिल्कुल बेसिक ही है। यहाँ पर आपको हेलोजन के अंदर लाइट मिल जाती है, और आप ये देखो भाई इतनी चौड़ी सीट है कि नी रूम में तो भाई दिक्कत नहीं आने की। यहाँ पर रिक्लाइन भी ठीक है, और सबसे मेन ना कि ये ना गद्देदार है। अब आते हैं रियर की तरफ। रियर से पहले आप ये चेकआउट करो, बोलेरो B6, और ये B6 ऑप्शनल में भी आपको B6 ही मिलेगा। ये कुछ आपको डिज़ाइन दे रखा है, और ये सारा आपका विंडो एरिया काफ़ी अच्छा बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे आपको मिलेगा डैफ वाला, यहाँ पे आप अपना एड ब्लू डाल सकते हो। पीछे ये टेल लैम्प्स हैं जो हेलोजन के अंदर हो जाती हैं आपकी, ठीक है। कम्प्लीटली सेटअप है, इंडिकेटर, रिवर्स लैंप, स्टॉप लैंप सब इसमें ही हो जाता है। इस वाले वेरिएंट में ना आपको यहाँ पे ये चढ़ने वाला स्टैंड भी मिल जाएगा, 2 पार्किंग सेंसर्स, टायर वही सेम रहेगा, स्टील रिम के अंदर है, लेकिन यहाँ पे आपको ये पूरा कैप मिल जाता है, लुक अच्छा लगता है इससे। रिवर्स में ये आपको वाइपर मिल जाएगा, डिफोगर्स नहीं है, यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप हो जाता है। और ये जो नाली देख रहे हो ना आप, दिख रही है आपको, जब बारिश वारिश में जा रहे हैं यहाँ पानी गिरता है, तो आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, जब इस तरीके से आगे आओगे तो यहाँ से ये आपको छेद दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ से पानी इस तरीके से नीचे आके गिर जाएगा, मतलब बारिश के मौसम में ना बेसिकली ये रेन वाइजर का काम करेंगे काफ़ी हद तक। आते हैं पीछे की तरफ, सिंपल आपको हैंडल दे रखा है, और ये आपको बेसिक बिल्कुल ट्रिम मिल जाती है ना। और यहाँ पर देखो डेडिकेटेड पीछे वाले वाइपर के लिए बोतल दे रखी है आपको, यहाँ से इसका पानी वानी भर सकते हो। हैंडल हो गया, ये आपकी सीट्स हो गई, है ना, ये देखो पूरी भाई किस तरीके की सीट्स रहने वाली हैं आपकी। ये ना बोलेरो नियो से थोड़ी चौड़ी हैं,
और बूट स्पेस तो एज सच इसमें आप कह सकते हैं कि यही बूट स्पेस है और यही यहाँ पे सेवन सीटर में लोग बैठ सकते हैं। अब बात आती है फ्रंट की, तो देखो भाई फ्रंट में चलते हैं, है ना। ये ट्रिम बिल्कुल बेसिक है ना। ये देखो यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और ये हेडलैम्प लेवलिंग के लिए ये मिल जाता है। बाकी वही एसी वेंट्स, एसी पावरफुल है इसका। जो कीज़ मिल जाती है ना आपको, ये दो की मिलेंगी, एक तो इस तरीके से जो आपकी सिंपल की रहेगी और एक आपको ये वाली मिल जाएगी रिमोट की। तो चलो कीज़ तो इनकी ये हैं कि लगभग सभी गाड़ियों में सेम ही देते हैं, चाहे ये ले लो आप चाहे स्कॉर्पियो एन ले लो। ये आपकी सीट्स आती हैं, सीट्स में क्या है ये वाला पैटर्न देखो आप, इस तरीके से हैं ये आपकी। हाइट एडजस्टिंग वगैरह नहीं है, वैसे ही काफ़ी हाइट पे है, इसको हाइट एडजस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब मैं अंदर चलता हूँ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो भाई ये इसका रहेगा स्टीयरिंग व्हील, और मुझे जो सबसे प्यारी चीज़ लगी, मुझे लगा यार इसका ये मीटर सा, बिल्कुल बेसिक मीटर है, कोई तामझाम नहीं भाई। जो भाई हमारे गाँव में रहते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल ही बेसिक हैं, उनको कोई साज सज्जा नहीं चाहिए, तो ये उनके लिए बिल्कुल बेसिक सा, कुछ नहीं छेड़ना छाड़ना कुछ नहीं। पर भाई इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, चारों टायर की हवा पता लग जाएगी कितनी रहने वाली है, और उसकी डिस्प्ले ना सेंटर में आपको दे रखी है, और सेंटर में ना इसको आप MID भी कह सकते हो, इसमें और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती हैं। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भाई 12.2 किलोमीटर पर लीटर की दे रही है ये आपका हो गया डिस्टेंस टू MT, और ये आपका फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट राइट लेफ्ट और राइट राइट चारों टायर का प्रेशर हो जाता है। बाकी यहाँ पे देखोगे आप डोर खुला हुआ है, उसका भी साइन हो गया, हैजार्ड स्विच हो गया, टू टिन वाला पुरानी याद दिलाएगा, सेंटर में आपको ये मिल जाता है, दो स्पीकर इसमें आपको मिल जाते हैं, ठीक है भाई। ये एसी की यूनिट है और चार्जिंग के लिए आपको एक 12 वोल्ट का पोर्ट यहाँ पे फ्रंट में दे रखा है। बाकी बिल्कुल बेसिक है, ये देखो आप ये विंडो के यार थोड़े से जो स्विचेस हैं ना बिल्कुल यहाँ दे रखे हैं बुलेरो नियो की तरह सेंटर में, जिसमें क्या आपकी फ्रंट विंडो जाती हैं और रियर विंडो हो जाती हैं, और रियर विंडो तो आपको यहाँ पे भी दे रखी हैं, फ्रंट में भी दे देते तो काफ़ी बेटर होता, पर यहाँ पे इन्होंने ये पूरा सेटअप सेट कर दिया। इस तरीके से आपको छोटा सा ग्लव बॉक्स मिलता है, दो एयरबैग मिल जाते हैं, ABS विद ABD, ऊपर आपको ये सिंपल रेगुलर मिलता है, और डे नाइट आपको मैनुअल IRVM मिल जाता है, माइक भी दे रखा है यहाँ पे, और लाइट जो मैं दिखा रहा था आपको ये आपकी ये हो जाती है। तो देखो बिल्कुल बेसिक कार है ये, और ये गाड़ी की अगर प्राइसिंग्स की बात करेंगे तो 10,79,000 रुपीज़ आपको ये कॉस्ट करती है। अब बात आती है इसके इंजन की, तो इंजन के लिए आपको सिंपली क्या करना है, चलो मैं दिखाता हूँ आपको मैकेनिज्म। देखो भाई यहाँ से आप अपना फ्यूल खोलोगे, जो फ्यूल लिड होती है, और यहाँ पे ये आपको लिवर दे रखा है, इसको आपको ऐसे खोलना पड़ेगा ये। अब चलते हैं आगे की तरफ, ये इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे हैं, ये फ्रंट वाले इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे हैं, ये देखो ये आ गया इसका इंजन, जो 1.5 लीटर का है, 3 सिलेंडर इंजन है और डीजल इंजन रहने वाला है। पावर के मामले में 75 BHP की पावर और 210 Nm का टॉर्क, जो बुलेरो नियो से थोड़ा सा कम है। ऊपर इंसुलेशन दे रखा है, ये आपको लाइनर मिल जाता है, तो बिल्कुल बेसिक इस तरीके से ये अपनी चहेती बुलेरो हो जाती है, काफ़ी पसंद करी जाती है। विड्थ इस गाड़ी की आपको ठीक ठाक मिल जाती है, लेंथ 4 मीटर के अंदर हो जाती है इसकी, व्हीलबेस 2680 mm का मिलता है और ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm की मिलती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, जब हम रियर में आते हैं तो यहाँ पे देखो आपको कमानी दे रखी है, ये आपको दिखेंगी। तो रियर जो सस्पेंशन है वो आपके पूरे कमानी बेस्ड हो जाते हैं, तो कमानी बेस्ड जो है ना वो थोड़ा स्टिफ ड्राइव तो होती है, लेकिन जो बिल्कुल गड्ढे गड्ढे सड़ी बिल्कुल सड़ी से सड़ी रोड होती है ना उन पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं ये। तो ये हो जाता है इस गाड़ी का एक रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये गाड़ी अच्छी लगी हो, तो भाई इस चैनल को लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।